अब हो गया देवांशु। यस यस चलो तो फिर शुरू करते हैं हम अपना काम। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू सिक्स होगा, एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, कौन बताएगा? सर सिक्स टू सेवन, सिक्स इंक्लूडेड। एक्स बिलोंग्स टू सिक्स सिक्स टू सेवन। क्लोज से सेवन, सही है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन सिक्स होगा तो वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर लाइन पकड़ लेना, यहाँ पे भी नंबर लाइन माइनस पकड़। इनफिनिटी से फाइव। पता नहीं मुझे, देखता हूँ मैं सर। माइनस इनफिनिटी से लेकर के सिक्स नॉट इंक्लूडेड। देखते हैं, मुझे नहीं पता भाई, देखने दो मुझे। ये सिक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा सेवन, ये कितना हो जाएगा फाइव। सही है, देखो हड़बड़ी नहीं करना है अभी फिलहाल के स्टेज में। ये सब क्वेश्चन इजी लगेंगे लेकिन मेथड इसी भी प्रैक्टिस करना है। तो देखो सिक्स से छोटा चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मतलब क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइव होनी चाहिए, फाइव के बराबर होना, फाइव से छोटी होनी चाहिए। तो यहां तक ये सारी वैल्यू, जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा रौनक? फाइव ही होगा, यहाँ पे कोई नंबर है तो। यस सर। है ना सुहानी? यस सर। ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर है यहाँ, तो यह समझ, छह पे जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू छह होगी। छह से पहले कोई भी तुम नंबर लेते हो तो वो क्या आएगा बताओ? फाइव ही आएगा। फाइव ही आएगा, इसलिए इसका आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके क्या हो जाएगा सिक्स, ये होगा ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू सर, वहां पे फाइव इंक्लूडेड नहीं हो सकता, माइनस इंफिनिटी से लेके फाइव इंक्लूडेड। हाँ देखो, अब तुम ध्यान से सुनते रहना, लाइन पे रहना, ठीक है। ये देखो, ये मान लो कि दिख रहा है ये फाइव है, ठीक है, और ये सिक्स है। अब बताओ मैं कोई एक नंबर लू यहाँ पे, ठीक है ना, डेफिनेटली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर छह से बड़ा होगा। यस नहीं, या छह हो सकता है या छह से बड़ा होगा। मान लो कि ये 7.2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 से बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है, ठीक है। अच्छा ये जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 5 है। तो जब इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है तो यहां तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, इससे 5 से कम होगा। तो तुमको वो सारे नंबर चाहिए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 5 हो या फिर 5 से कम हो, है ना। तो हमको यहाँ पे मान लो x 5.99 लिया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। हाँ, जब 5.99 चलेगा तो हमको 6 छोड़ के बाकी 6 से पहले वाला सब कुछ चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस इंफिनिटी से 6 हो गया। अच्छा नेक्स्ट बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 6 क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 7 नॉट इंक्लूडेड। हाँ, x बिलोंग्स टू, बस सेम कहानी, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ तक सब चलेगा x बिलोंग्स टू। तो माइनस इंफिनिटी टू 7 नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 6.2 बताओ x बिलोंग्स टू। सो 5 नहीं, सॉरी Not defined. रौनक, रवि, सर नॉट डिफाइंड। हाँ मतलब नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, फाइव बोल देंगे। नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा क्यों हुआ? ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है ना, लेकिन ये इंटीजर है क्या? नहीं है। तो इसलिए एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जिसका इंटीग्रल पार्ट 6.2 हो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 6.2, ठीक है। तो इसका देखो क्या होगा, इसका मतलब देखो बेसिकली चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वो वैल्यू चाहिए
सेवन टू x की हाँ जिसके वैल्यू जिसके लिए इंटीग्रल पार्ट जो हो 6.2 से बड़ा हो, तो 6.2 से कभी बड़ा क्या इंटीग्रल पार्ट, या तो इंटीग्रल पार्ट 6 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, तो 6.2 से बड़ा क्या हो सकता है, 7 इस मतलब 7 या 7 से बड़ा, ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप लोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, x less 6 हो जाएगा। सर माइनस इनफिनिटी टू सिक्स नॉट इनफिनिटी। चलो फाइंड द डोमेन ऑफ वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू। कौन गाना सुन रहा है भाई, आवाज आ रहा है इधर? सर अरित्य के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो इसका डोमेन बताओ। तो तुम म्यूट कर दो ना, जब जरूरत होगा तो अनम्यूट कर लेना। सर एक्स बिलोंग्स सर। अच्छा वहां बोलो बोलो। सर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट टू। सर टू टू थ्री। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स, देखो अब यहाँ पे तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू टू नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक नहीं होना पड़ेगा, टू से लेके थ्री तक, मतलब टू क्लोज से थ्री ओपन तक। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, चलो चलो तो इतना पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और यहाँ पे आपका बेसिक मैथ का पार्ट भी खत्म होता है। कुछ जो छूट रहा है उसको हम लोग कवर कर लेंगे अगर टाइम के साथ जरूरत पड़ता है। बेसिक मैथ में क्या चीज जरूरत पड़ता है क्या नहीं पड़ता वो टाइम के साथ ही पता चलता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को बता दिया गया है, इनइक्वालिटी बता दिया गया है, लॉगरिथम बता दिया गया है। अच्छा तो कल एक जन क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, ये बताओ जैसे लॉग ये साइन ए लॉग ए बेस बी पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, कुछ आइडिया लगता है? यस सर। सर जब ए हाँ बट अच्छा sir, तुम लाइन में हाँ बोलो। लॉग जब फोर बेस थ्री पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। अच्छा log 1 by 4 base 1 by 3 so, ये सर नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ तुम कैसे बोल रहे थे, क्या कैसे पता करोगे कोई log पॉजिटिव है या नहीं है, जैसे कैसे इसको कैसे बोला ये पॉजिटिव है? सर ये क्योंकि नंबर से नंबर बड़ा है सर, बेस छोटा नहीं, वैसे नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो लो, If log a base b greater than zero, ठीक है ना, then either a b माने दोनों a greater than one होना चाहिए और a b less than one, और इसको लिखने का दूसरा तरीका है if base an argument, देखो इसको बेस बोलते हैं इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इफ बेस एंड आर्गुमेंट आर द सेम साइन ऑफ सेम साइन है सेम साइड सेम साइड ऑफ यूनिटी, मतलब वन की या तो दोनों एक तरफ हो या वन के अपोजिट साइड में हो, सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ द लॉग लॉग इज पॉजिटिव, अदरवाइज सही समझ में आ रहा है? अब जैसे बताओ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब log 7 base 8 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा log 2 base 1 by 3 नेगेटिव नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक 1 से बड़ा है। अच्छा ऐसे बोला जाए log 1 by 2 base 1 by 3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनका बेस जो है
यूनिटी के एक साइड में ही है। अच्छा log 1 बेस 1 by 2 ये क्या होगा? नेगेटिव। जीरो। सर जीरो होगा सर। देखो 1 log 1 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो ही होती है ना? यस सर। चलो अच्छा ये कितना हो जाएगा सर? ये अनडिफाइन होगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? यस चलो। अच्छा एक और चीज में बताना था आप लोग को, तो उससे पहले बस रिकैप करना था, बताना नहीं था, बताया गया होगा। अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है, जैसे दिया है लॉग एक्स बेस टू इज लेस देन थ्री, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एट। हाँ एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन एट। अच्छा एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, अगर इसी को log x base 1 by 2 is less than 3, तब क्या होगा? So x is greater than 1 by 8. x is greater than 1 by 8. सही है, याद है ना अभी तक? सही है, अच्छी चीज है, बस इसी को कंफर्म करना था। तो इसका मतलब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हमारी लगभग। अच्छा एक चीज, एक और, अगर ऐसे लिखा हुआ है log x base is less than log y base है, ठीक है ना? Yes, तो बताओ x less than y होगा या x greater than y होगा या दोनों होगा? तो less than होगा। अच्छा एक एग्जांपल के थ्रू, दो एग्जांपल लेते हैं इसी में। log x base 2 is less than log y base 2, बताओ x is less than y true है या false है? सर true है। अच्छा चलो बाद में, अभी एक मिनट बाद बात करते हैं इसको। दूसरा देखो, log x base 1 by 3 is less than log y base 1 by 3, अब x is less than y, ये true है या false है? False. हाँ तो ये क्या हो गया? True हो गया, और ये क्या हो गया? False हो गया। तो logarithmic बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग याद रखे हो logarithmic inequality भी हमारी, ठीक है। इस पे कुछ questions का work, अच्छा आप लोग बताओ कितने लोग worksheet solve कर रहे हो जो regular जा रहे हैं? So, उसमें worksheet बहुत है लेकिन समझ नहीं आ रहा सर कौन कौन सा करे, सिर्फ mix दिया हुआ worksheet में, तो quadratic equation भी दे दिया। हाँ नहीं नहीं देखो, तो जो स्टार्टिंग वाले वर्कशीट 1 और 2 टाइप का जो चीज है ना, उसमें क्या है 10th के पहले तो बहुत कुछ बेसिक दिए हुए हैं, 10th वाला पार्ट। हाँ तो उसको सॉल्व करते, तो पहले तो 1 2 3 करो ना, ठीक है? तो वहां तक 10 तक हो गया सर। अच्छा कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो और भी मैं तुमको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन तुमको वर्कशीट से करना है, जैसा भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए वर्कशीट से कौन सा पार्ट आपको करना है, ठीक है? और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लिए कर लिया है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का वर्कशीट? Yes. सर वो मिक्स दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मैं उसमें आपको कुछ, हाँ 11 12 13 के बाद दिया हुआ वो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 13 के बाद का नहीं, जो भी है वो 11th के लिए है, जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है स्पेशली वो 11th के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं सर, नहीं वर्कशीट नंबर 11 12 13। अच्छा 11 12 13, नहीं नहीं जैसा हम बोला क्लास की 11 12 13 के बाद, ठीक है? मैं देख के आपको सर्टेन क्वेश्चन क्या करना चाहिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? चलो तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो फॉर्मली 11th में फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है, फर्स्ट चैप्टर होता है 11th का और बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। कितने लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत बोल दो ना? यस सर। ठीक है तो चलो शुरू करते थोड़ा बहुत। सेट इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? अच्छा देखो सेट कुछ पार्ट 11th में है और कुछ पार्ट 12th में, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, 11th और 12th का दोनों पार्ट अभी कंप्लीट कर लें क्योंकि 12th में बचता नहीं है कुछ और 11th का फिर पूरा पढ़ाना पड़ता है 12th में, इसलिए मैं क्या करूंगा 11th और 12th दोनों को अभी ही खत्म कर देंगे, ठीक है? अब देखो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं
एग्जाम्पल कि जैसे रौनक, यस सर, ये बता तुम्हारे क्लास में कितने पतले लड़के थे? सर नॉट डिफाइंड है. हाँ, नॉट डिफाइंड है क्योंकि तुम पतला मोटा को तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, सही बात है ना? ठीक है, तो क्या होगा कि जस्ट तो अगर मैं तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ फैट स्टूडेंट या पतला की थिंग की बात कर रही है, नंबर ऑफ फैट स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ स्कूल, कोई पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सेट होगा? तो ये सेट नहीं होगा. दिस इज नॉट द सेट. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड. इट इज नॉट वेल डिफाइंड. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं इसको कैसे सेट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? अगर सेट बनाना हुआ इसी स्टेटमेंट को तो कैसे सेट बनाएं? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 50 केजी वेट. हाँ, अरे 50 केजी को मोटा नहीं बोलते, एवरेज लेके सर, एवरेज. हाँ, एवरेज नहीं, कोई सर्टेन बता देंगे. हाँ, कि 90 केजी से ज्यादा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ फैट स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 केजी. अब ये सेट हो गया, ठीक है ना? तो अब देखो, अब सेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ने आते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन. तो जब से सबसे फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. ठीक है, इसमें देखो दो चीज का ध्यान रखते हैं. जो भी नंबर लिख, जो भी चीजें लिखते हैं वो मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा के हेल्प से लिखते हैं. ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस डज नॉट मैटर. मतलब कौन सा सीक्वेंस लिखते हो वो मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस डज नॉट मैटर. और रिपीटेशन, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड. अभी जो चार चीजें लिखा उसका मतलब क्या है नहीं पता, देखते हैं. ये देखो, एक वर्ड लेते हैं एप्पल. ठीक है, अब इसका सेट बनाते हैं तो क्या करेंगे, जितने भी एप्पल में वर्ड लेटर हैं उसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर विथ कॉमा. बस एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हम जो लेटर है, जैसे यहाँ पे दो पी आया है, दोनों पी को रिपीट नहीं करें, ये एल हो जाएगा और ये ई हो जाएगा. यही हो गया तुम्हारा सेट. अब ये बराबर है, तुम इसका सीक्वेंसिंग भी चेंज कर दो तो सेट नहीं चेंज होगा. कोई लिखेगा पी ए ई एल तो भी वो चीज सही लिख रहा है. बात समझ में आई सुहानी? यस सर. रवि? यस सर. ठीक है, चलो. और नेक्स्ट जो फॉर्म आता है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. नहीं, ये तो सेट बिल्डर, ये तो वही था सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, ये पढ़ा हुआ है क्या? कितने लोग लेकिन कैसे पूछ सकते हैं? अच्छा, मैं फास्ट निकल जाता हूँ. ठीक है, ये इजी चीज है. तो सेट डर, देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग एक सेट लिखना होता है तो क्या करते हैं, इसका एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं. क्या करते हैं, कोई भी इस सेट का एक्स, लेट्स से कि एक्स उसका एक जनरल एलिमेंट है. उसके बाद वो एक्स कैसा है उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं.
और इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं सच दैट, या इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं सच दैट। देवांशु? यस सर। अच्छा ये बताओ, इस तरह से ज्यादा एक साथ लिखने में समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या लिखने में, देखने में या नोट्स बनाने में? नहीं सर। ठीक है ठीक है। हाँ तो इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब इस तरह की जो सिंबल होता है उसको बोलेंगे हम लोग सच दैट, या इस तरह का भी सिंबल होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं सच दैट। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, ए लिखना होता है, ए इज ए, पढ़ते हैं, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, जनरल एलिमेंट ले लिया सच दैट, और फिर क्या लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। अब देखो जैसे तुमको एक सेट लिखना है, अभी जो पहला वाला ही लिखा था तो क्या लिखा, वो जो एप्पल वाला लिखा था तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, इस तरह से लिख सकते हो या इसको इस तरह से बना सकते हो सच दैट एक्स आर द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ठीक है चलो। अच्छा इसमें देखो दो साइन अक्सर यूज होता है, सबसे फर्स्ट आते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, belongs to, belongs to। अच्छा एक आता है ये, इसको क्या बोलते हैं, for all, और एक जो प्रॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है उसको ये यूज आता है, इसको क्या बोलते हैं, there exist। एक चीज ज्यादा यूज होता है ये, इस याद है क्या बोलते हैं, implies to, implies to बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, if and only if, हाँ if and only if, या इसको इन शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं IFF। हाँ और तीसरा चीज ये भी करते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, implies and implied by, ठीक है ना, देखो दोनों तरफ से implication लगा है, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, तो implies and implied by। इनका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे अगर मैं बोलू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इज implies x equal to 3, true or false? True. False. ठीक है, देखो x square एक 9 है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि x equal to 3 होगा, है ना, 3 हो सकता है, ठीक है ना, minus 3 भी हो सकता है ना, तो हो क्या पता तुम जो x लिए थे वो -3 था, इसका जरूरी थोड़ी है कि x square equals to 9 है तो x equal to 3 ही होगा, नहीं -3 भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसको लिख दें x equals to +-3 तो x square equals to 9, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? ट्रू होगा, देखो ये दोनों तरफ से लगा हुआ, हाँ ये दोनों तरफ से लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x प्लस माइनस 3 लो तो x स्क्वायर 9 होगा, और x स्क्वायर 9 आया तो x प्लस माइनस 3 में से ही कोई एक चीज आएगा, बात समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारे पास, ट्रू। तो ये दो तीन सिंबल हमको ज्यादा सेट में यूज होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, तो जैसे अब इसमें देखें तो दिख रहा है ना, बिलोंग्स टू की बात करें तो एक सेट लेते हैं, ये सही है स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट
सिक्स भी ले लेते हैं, फाइव ये सही है? नो सर, फॉल्स। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया, हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखते हैं सेट में एक चीज आता है इक्वल सेट, सब उससे पहले कार्डिनालिटी, फैंसी नाम है कार्डिनालिटी। ये कुछ नहीं होता है, साइज। हाँ क्या हुआ बताओ? साइज, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो देखो उसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, अभी अभी दिखाऊंगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, इसकी कार्डिनालिटी कितनी होगी? 3 है। अगर बी ए बी सी हो गया तो, ए बी सी डी हो गया तो 4, तो एन बी कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, एन ए इक्वल टू कैसे हो, कितना हो जाएगा? 3। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। एन ए इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब देख नेक्स्ट आते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, फास्ट जा रहा देवांशु, कोई कंफर्म करो, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है? ये इजी चीज है, थोड़ा समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ। ठीक है, रोकना अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो बताना मुझे, ठीक है? इक्विवेलेंट सेट, देखो क्या होता है कि अगर दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट, अगर कब कहे जाते हैं, जब एन ए इक्वल टू एन बी हो, दो सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो गए हो, then A and B are called, A and B are called क्या? Equivalent. Equivalent. सही है ना? तो दूसरा देखते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पहले A लिखा है मैंने 147 और B लिख दिया है मैंने पाई E अल्फा, ठीक है ना? तो देख रहे दोनों बहुत रैंडमली अलग अलग सेट है, ठीक है, बट इनकी कार्डिनालिटी कितनी है? दोनों सेम है, एन ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू 3। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ रहा है? सही है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट, इक्वल सेट में दोनों एलिमेंट एक ही होने चाहिए, ठीक है ना? जैसे अब मैं बोलूं ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी है ऐसे कुछ करके 3 1 2, तब जाके इन दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल एंड इक्विवेलेंट। हाँ हाँ, तो पहले इक्वल, देखो इक्वल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो इक्वल होगा तो आप तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो गए, फिर सारे के सारे एलिमेंट बराबर हो गए, ठीक है? तो लिख लेते हैं इक्वल सेट के लिए क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट, ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना? A equals to 2 और B equals to, A is a set of, sorry, A B, B is a set of X such that X is prime number divisible by 2। क्या दोनों इक्विवेलेंट है या इक्वल है? यस सर। ये इक्वल है या नहीं है?
इक्वल है सर। है सर। हाँ अच्छा चलो एक चलो अब यहाँ तक मैं समझ। हाँ बोलो। चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें कि अगर मैं पूछूं आपसे कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तुम लोग बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी इक्वल सेट होता है ना सारा का सारा इक्वलेंट होगा लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। ट्रू ट्रू है ना। यस सर। तो क्या बोलते हैं एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट वाइस वर्सा। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा आया अभी आ रहा है सर। अच्छा एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। समझ गया ना। ठीक है अब हम लोगों ने यहाँ पे सेट देख लिया इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देख लिया उसके बाद इसकी काउंटेबिलिटी देखते हैं। काउंटेबिलिटी मतलब कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं तो उसके हिसाब से देखो एक सेट आता है क्या फाइनाइट सेट। जब लोग आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तो काउंटेबिलिटी का एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस आ जाता है ठीक है ना। फाइनाइट सेट इसमें तो आप लोग समझ रहे हो कुछ खास नहीं होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट में तो कोई एक एग्जांपल दो ना कोई भी एक एग्जांपल दो फाइनाइट सेट का। रौनक x बिलोंग्स टू रियल सर। x बिलोंग्स टू आर इनफाइनाइट सेट का ना। यस सर। ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। सही है ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज सबसेट उसके बाद बाकी चीज देखेंगे वही एक ढंग का इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा जानने वाली बात होती है फिर देखते हैं। सबसेट देखो जैसे सब इंस्पेक्टर होता है ना ठीक है वैसे मतलब इंस्पेक्टर का छोटा वाला पार्ट ठीक है उसी तरह से सब सेट होता है ठीक है। तो कैसे बोले कि एक अगर सेट है ए हाँ एक अगर सेट है ए ठीक है मेरा फोन लेकिन लगा दीजिए। अच्छा ठीक है हाँ चलो तो देखो संचिता। Yes, sir. हाँ देखो अगर ए मान लो 1 2 3 है ठीक है ना तो बताओ इसमें। अच्छा एक काम करके थोड़ा छोटा कर लेते पहले ए को सिर्फ 1 2 रख लेते हैं। तो ए अगर 1 2 एक सेट है तो बताओ इसमें से इसके एलिमेंट हमको हमारा काम क्या है ना कि एक ऐसा मतलब हमारा ऐसा सेट बनाए जिसका एलिमेंट इसी का एलिमेंट हो ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट सेट बन सकता है सर। नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हाँ बिटवीन नहीं सिर्फ 1 एंड 2 ना यहाँ पे कॉमन मतलब अगर मिडिल ब्रैकेट है तो उसमें नंबर बिटवीन नहीं आता है ओनली 1 एंड 2 ठीक है। तो देखो ऐसा हुआ कि हमने इसी के एलिमेंट से हमको सेट बनाना है लेकिन कितना लेना है वो रिस्ट्रिक्शन है। एक काम कर दिया हमने कुछ भी नहीं लिया और एक सेट बना दिया। अच्छा हम लोगों ने जब डिस्क्रीट वाले बात इस ये चीज आप लोग जब कंटिन्यूअस सेट इंटरवल पढ़ रहे थे इनफाइनाइट सॉरी इम्प्टी सेट के बारे में पढ़े थे फाई जिसको बोलते फाई सबको पता है ना इम्प्टी सेट क्या होता है फाई। या फिर चलो एक काम करते हैं उसको जस्ट इंट्रोड्यूस ही करते हैं थोड़ा सा एक लाइन में एक दो एग्जांपल के साथ जस्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है नो एलिमेंट्स शॉर्ट में लिख देते हैं नो एलिमेंट्स। तो अगर जैसे एग्जांपल बोला जाए कि एक सेट है ए ठीक है ना वो ऐसे लिखा हुआ है कि
set of x such that x greater than 2 and less than 3 and x is integer. तो क्या ये empty set होगा? Yes. Yes sir. हाँ तो इसकी इसको कैसे denote करते हैं? Phi. अच्छा n a कितना हो जाएगा फिर? Zero. 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 अच्छा एक और चीज हो जाएगा ये बताओ ये कैसा सेट है ये एम्प्टी सेट है क्या नहीं सर नहीं सर नहीं सर हाँ इसको क्या बोलते हैं सिंगलेशन सेट सिंगलेशन सेट अब अलग से डेफिनेशन नहीं बताएंगे सिंगलेशन सेट का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट है ना चलो तो बस इतना से छोटी सी बात थी उसके बाद से हम लोग सबसेट स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसेट में क्या करना है ना नंबर ऑफ कोई एक सेट लो और उसका जितना भी सबसेट बना सकते हो जितना भी सेट बना सकते हो उस नंबर से लेके बना दो तो मान लो कि फाइव ले लिया एक तो हो गया कि कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं लिया उसके बाद से क्या किया वन लेके सेट बना दिया फिर क्या किया टू लेके सेट बना दिया फिर वन टू लेके सेट बना दिया ठीक है ना वन टू लेके सेट बना दिया अब बताओ क्या टू और कोई सेट बन सकता है नहीं सर और कोई सेट नहीं बन सकता ठीक है तो इसके टू इसके तो सबसेट्स हो गए वो क्या हो गए ये फाइव सेट वन सेट टू और सेट वन टू ठीक है चलो अपने कॉपी पे ए इसका सेट लिखो सब इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखो और बताओ कितना आ रहा है हो गया सर किसी को लगता है कि करना चाहिए मुझे no, चलो चलो नेक्स्ट तो अगर मैं पूछूं एक छोटा सा एग्जांपल एक सेट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना यस सर ठीक है अब मैं पूछ रहा हूं टू बिलोंग्स टू ए ट्रू और फॉल्स False. सही है यही मैं सुनना चाह रहा था अच्छा 2 कॉमा 3 इज अ सबसेट ऑफ ए फॉल्स या ट्रू ट्रू फॉल्स सब ब्रैकेट कोई बताना चाहेगा क्यों यस सर सर इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया हाँ देखो ये एलिमेंट है ना ये एक एलिमेंट है हाँ ये क्या है एक एलिमेंट है जो ए देखो ये वाला ब्रैकेट देखना है जिस सेट की बारे में बात हो रही है इस वाले सेट के ए के बारे में बात हो रही है तो ये इस दोनों ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों ब्रैकेट में कहीं बगल में से हाथी भी लिख दिया जाए ना तो वो भी इसका एक एलिमेंट ही होगा ठीक है ना कोई सबसेट लिखा है क्या लिखा है कॉमा लगा के अगर लिखा है रिपीटेड नहीं है तो उसका एक एलिमेंट ही होगा ठीक है तो ए इज अ सबसेट ऑफ तो ये 2.3 सबसेट ये फॉल्स है अच्छा ये 2.3 belongs to A ये सही है गलत true अच्छा तो इसके corresponding subset कितना हो जाएगा set आप बताओ 32 नहीं पढ़ेंगे 3 और 2 पढ़ेंगे उसको ठीक है तो इसका सिर्फ अच्छा नंबर ऑफ सबसेट बता रहे हो नहीं ये पूछ रहा हूँ ये बताओ ये क्या है ट्रू है या फॉल्स है सर ये ट्रू
ये ट्रू हो गया, चाहिए ना कि अच्छा अब तक तो समझ गए होगे आप लोग। अच्छा एक मिनट एक मिनट, बताओ ट्रू है फॉल्स? फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है। अच्छा ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। अच्छा सही है, तो अब तक तो समझ गया। अब जो हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं ना उसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, किसका सिंबल? सब से। अब देखो तुम लोग इसको ना इस वाले सिंबल से ध्यान रखना, इसको लेस देन इक्वल सिंबल है ना, तो जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा वाला सेट रहता है, जिधर पतला होता है उधर छोटा वाला सेट रहता है। इसका मतलब ये देखो, सबसेट जो पहले लिखा होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसमें मतलब बी को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, और ए को बोल देते हैं सब। लग रहा है स्कूल में हो चुका है, नहीं स्कूल खुद से पढ़े। अच्छा ठीक है बढ़िया। ए को बोलते हैं सुपर सेट और बी को बोलते हैं सबसेट। अब इसमें ना एक कहीं कहीं पे इस तरह का भी चीज आ जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों सिंबल में क्या डिफरेंस है मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट देखो, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये है, ये क्या बताता है एक्चुअली में कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, सही है। या इसको बोल सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या होता है, थोड़ी देर में आ रहा हूं इस पे, ये आप जानते भी होंगे। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है सिर्फ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, ये ए और बी बराबर हो भी सकते हैं। तो जैसे बराबर कैसे होते हैं कि जैसे अगर एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने कुछ भी ए इक्वल्स टू ए बी और इसके सबसेट्स लिखे, सबसेट्स लिखे हैं, तो एक तो सिंग ये आएगा, फिर ये चीज आएगा, फिर सेट बी आएगा, फिर सेट ए बी आएगा। तो देखो एक सेट तो वापस वही चीज आ जा रहा है ना, तो ये जितने ये सारे सबसेट जो होते हैं ये उसके प्रॉपरली सबसेट है, मतलब उसके छोटे हैं, प्रॉपर सबसेट। और ये उसका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखो तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है ये पीएनसी में आसानी से आप लोग पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल बता रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2n, ठीक है ना, जहां पे n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब मुझे बता दो जस्ट कि अगर एन ए इक्वल्स टू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 32। नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 32, 2 का पावर 5 दैट इज 32। अच्छा चलो, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 30 है ना, 32, और एक तो कट गया तुम्हारा इम्प्रॉपर की वजह से और एक कट गया 5 की वजह से, है ना, तो आ गया 30, सही है।
चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो छोटी सी चीज डिस्कस करने जाएंगे वो कहलाएगा हमारा पावर सेट, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सबसेट्स। आप लोग डिटेल डेफिनेशन नहीं चाहते हो ना, जितना काम है बस उतना ही बार दे रहा हूं मैं। यस सर, ठीक है ना, सेट ऑफ सबसेट्स। अब देखो क्या हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक सेट है ए, मान लो कि पहला ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1 2, तो इसका पावर सेट क्या को किससे डिनोट करेंगे, पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं, पावर सेट ऑफ ए। और क्या होता है, पहले यहाँ पे सेट बना लो और इसके बीच में ए के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, ए के जितने भी एलिमेंट आ रहे हो, तो जितने भी सबसेट आ रहे हो सबको लिख दो। तो सबसे फर्स्ट सबसेट क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा सेट 1, फिर क्या आएगा सेट 2, फिर क्या आएगा सेट 1 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2n, क्योंकि जितने उसके सबसेट होंगे उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, 16, ठीक है। नहीं, इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट आ रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ 2 का पावर 2। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए में 4 एलिमेंट है, n equals to 4 है, तो नंबर ऑफ npa कितना होगा, 16, 2 का पावर, बहुत बढ़िया, 16। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि n equals to 4 है तो npa कितना होगा, 2 का पावर 4, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो इसको जस्ट फॉर्मली लिख ही लेते हैं, number of elements in power set is equals to 2 का पावर n। यहाँ पे n क्या है, number of element in set, number of element and set, power set हो गया हमारे पास। चलो देखो एग्जाम्पल है, इसका पावर सेट लिखो, पी इक्वल्स टू व्हाट, हो गया, यस सर, यस सर। एक बार जिसका होते जाए हैंड रेज करना, रवि नहीं हुआ, श्वेता, धीरज, yes. नहीं हुआ, संचिता, शाश्वत, सर डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा, शिवानी, नो सर नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, संचिता, यस सर, हो गया, नहीं सर। चलो तो बात करते हैं फिर इसके ऊपर।
चलो बताओ, अच्छा ये बताओ कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इस सेट में? एक आवाज आ, हाँ कितना? एक सर। नहीं दो। सुहानी कितना एलिमेंट दिख रहा है? सर दो। देखो सिंपल सा फंडा यार, देखो ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ जितने कुछ लिखे हुए हैं ना वही तुम्हारे एलिमेंट, ठीक है ना? तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दो। दो तो मैं अगर देखूं इसको तो एन ए कितना हो जाएगा तुम्हारा? टू। टू तो एन पी ए कितना हो जाएगा? फोर। फोर हो जाएगा, टू का पावर टू, मतलब चार एलिमेंट चाहिए। अब जितना चाहिए तब तो ढूंढने ही पड़ेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा कि अब तुमको पता है कि चार एलिमेंट ढूंढने, तो ढूंढो ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है कि एक ले लिया फाइव ही ना, नल सेट तो आएगा ही आएगा, वो इन दोनों की इसकी वजह से नहीं आ रहा है, इसमें से किसी की वजह से नहीं आ रहा है। हर सेट का सबसेट क्या होता है? एक नल सेट होता है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एक सेट बनाएंगे, तो फाइव एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सेट बनाएंगे वो क्या होगा? सेट फाइव, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एक सेट बनाएंगे तो वो क्या होगा? सेट ऑफ सेट फाइव, ठीक है ना। और एक पूरा का पूरा ये सेट ही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ फाइव एंड सेट फाइव, ठीक है। टू नहीं, नहीं क्या हुआ? तो किसी को अगर इसमें ये चीज नहीं समझ में आया तो एक बार पूछो तो हाथ उठा के बताऊंगा मैं। सर एक बार दोबारा बताइए। हाँ देखो सुहानी, ये देखो अगर ए जो है वन टू है ना, तो इसका सबसेट कैसे निकालते हैं? पावर सेट कैसे निकालेंगे? एक सेट बना लेंगे जिसके सारे के सारे सबसेट हो, यही ना? यस सर। तो अब क्या करेंगे? वन उठा, सबसे पहले तो एक आएगा फाइव, क्योंकि सारे सबसेट का क्या होता है, सारे सेट का सबसेट एक फाइव होगा, कुछ नहीं लेके एक सेट बना दिया, ठीक है। यस सर। उसके बाद से क्या आएगा? पहला एलिमेंट उठा के उसका सेट बना दिया, फिर दूसरा एलिमेंट उठा के उसका सेट बना दिया, अब फिर अब दोनों एलिमेंट उठा के उसका सेट बना दिया, यही इसका पावर सेट आ गया ना। तो सेम वे में जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया फाइव और सेट फाइव, एग्जाम्पल जो है हमारा क्या, ए इक्वल्स टू ये फाइव और दूसरा हो जाएगा सेट फाइव, ठीक है। अब क्या करना होगा इसके साथ कि सबसे पहले तो देखो कुछ नहीं लिया, हम पीए लिख रहे हैं तो कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया मतलब फाइव लिया, कुछ नहीं मतलब फाइव। उसके बाद से पहला एलिमेंट पे गए, पहला एलिमेंट क्या है फाइव, उसका सेट बना दिया सेट फाइव, दूसरा एलिमेंट क्या है सेट फाइव, उसका सेट बना दिया सेट ऑफ सेट फाइव, और फिर पूरा सेट ले लिया तो क्या हो जाएगा फाइव और सेट फाइव, हो गया ना? यस सर। अब देखते हैं इसमें दो चीजें नोट करके, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा क्या हो जाता है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ is the subset of universe, है ना? अपने हर सारा subset अपने आप में। अच्छा अब इसका diagrammatically देखते हैं। अच्छा एक roughly पूछते हैं example। True or false? True or false? True. True or false? ना देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर सबसेट, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है,
ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो देखो क्या होगा ना बी एवरी एलिमेंट ऑफ ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी तो मतलब इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि अगर यहां पे कुछ क्या है बी है यहां पे अगर बी है तो यहां पे कहीं ए हो जाएगा बात समझ में आ रही है अगर ये सेट है ये तुम्हारा क्या है बी है तो ये कहीं सेट तुम्हारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ बी ए हमेशा जो होगा बी को ये अंदर होगा तो हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग सबसेट की बात कर चुके हैं क्वेश्चन सेट उस पे जाएगा उसको आप लोग आज ना एक चीज मैं बोलूंगा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज में देखना क्या एक एग्जांपल दिया सारा कुछ दिया हुआ कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है 10-11 एग्जाम्पल है उसको शायद आप लोग कर भी लिए होंगे लेकिन नहीं किए हो तो एक बार जरूर कर लेना ठीक है अच्छा कितने लोगों के पास आर एस अग्रवाल है अच्छा ठीक है संदीप सुदीप जो भी हो तो देखो पहला फर्स्ट काम है ना आपको वर्कशीट किसी तरीके से अप टू डेट रखना है ठीक है और वर्कशीट अप टू डेट हो जाता है उसके बाद आप आर एस अग्रवाल सॉल्व कर सकते हो वर्कशीट अपडेटेड करने के बाद एक कोई एक बुक या तो आप एनसीईआरटी सॉल्व करना चाहो आप आरडी शर्मा सॉल्व करना चाहो या आर एस अग्रवाल सॉल्व करना चाहो लेकिन पहले बुकलेट और वर्कशीट यहाँ पे करना है ठीक है ताकि उस पर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा उसके आगे हम लोग काम करेंगे चलिए तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी ये हमारा सबसेट का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया अब आगे बढ़ते हैं सबसेट पावर सेट हो गया अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं यूनियन क्या होता है इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं और दो सेट का ए यूनियन बी जो होता है ना वो होता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक में हो तो ए यूनियन बी में हो जाएगा ठीक है ना तो जैसे मैं बोलूं ए अगर है 2-3-4 और बी है 3-4-5 तो कोई एक जन बताओ फटाफट ए यूनियन बी कितना होगा 2-3-4-5 चलो अब इसी का काउंटर एग्जांपल देखते हैं अगर मैं बोल रहा हूं ए इज नॉट टू इज नॉट बिलोंग्स टू दूसरा एग्जांपल है मतलब टू इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन पहला चीज लिख रहा हूं टू बिलोंग्स टू ए एंड टू नॉट बिलोंग्स टू ए एंड टू नॉट बिलोंग्स टू बी दूसरा लिख रहा हूं टू नॉट बिलोंग्स टू ए और टू नॉट बिलोंग्स टू बी विच वन इज करेक्ट सेकेंड वन फर्स्ट वन हाँ तो डाउट तो कितने लोग फर्स्ट बोल रहे हैं ठीक है चलो अब देखो यहां पे देखो अगर दो टू ए यूनियन बी में अच्छा ए में होता टू टू ए में होता सुहानी
यस सर। अगर 2a में होता तो a यूनियन b में होता कि नहीं होता? सर होता a यूनियन b में। होता ना? अगर 2b में होता तो भी a यूनियन b में होता? यस सर। इसका मतलब 2 a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है। दोनों में से किसी एक में होता तो a यूनियन b में तो होता ही होता है ना? यस सर। ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम वाइज क्या बोलते हैं इसको। एक वेन, देखो वेन डायग्राम क्या होता है, मैं जस्ट बताता हूँ। कितने लोग हाथ उठाना, किसको, कितने को पता है वेन डायग्राम क्या होता है? श्वेता, रवि, ठीक है, चलो सिंपल है। देखो वेन डायग्राम, एक जस्ट एक लुक दे देता हूं, कुछ नहीं। देखो वेन डायग्राम में सेट को ना सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अभी आगे चल के देखेंगे ये क्या होता है, रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करते हैं। बेसिक इतना ही जानना है। तो हम लोग देख रहे हैं यूनियन का डायग्राम, यूनियन वेन डायग्राम। मान लो कि देखो अगर ये है ए, तो ए का मतलब क्या हुआ कि इसके ए के जितने भी एलिमेंट है वो इसी सर्कल के अंदर है। और बी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी बी में जितने भी एलिमेंट है वो इस सर्कल के अंदर है, ठीक है। और इस वाले, ये इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब अगर ए यूनियन बी की बात करें तो देखो यहां वाला जो एलिमेंट है वो यूनियन बी में आएगा, यहां वाला एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में आएगा। ये सारे एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में आएंगे, जो कॉमन दोनों बार आ रहे हैं वो एक बार ए यूनियन में आएंगे, और फिर ये सारे ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है वो ए यूनियन बी को प्रेजेंट करेगा, करेगा क्या, यूनियन। यस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं इंटरसेक्शन। अगर इनको शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में मैं बोलूं तो ये आ जाते हैं क्या, कॉमन एलिमेंट्स, यही आते हैं ना। तो yes, sir. अगर हम बोलें कि ए एंड बी दो सेट हैं तो इनके लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? अब देखो दोनों में होना चाहिए, तो मतलब अगर ए इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो एक्स ए में भी आना चाहिए एंड बी में भी आना चाहिए। दोनों में डिफरेंस देखा आपने, यहां पे है सिर्फ, यहां पे इंटरसेक्शन में एंड आ रहा है और यूनियन में यहां पे और आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं 1 2 3 4 3 4, अब बी 3 4 8। तो आप बताइए एन एंड, सॉरी एन नहीं, ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ कोई। 3 4 3 4 4, बहुत बढ़िया, 3 4 हो गया। अच्छा अब वेन डायग्राम वाइज से भी अपने कॉपी में बना लो तो फटाफट इस एग्जांपल को। तो देखो ये एक ए सेट हो जाएगा और ये एक बी सेट हो जाएगा। देखो 3 4 दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे होंगे, और सिर्फ ए में कितना पार्ट है, तो 1 और 2। तो देखो ये 1 2 3 4 ए वाला पार्ट हो गया, और 3 4 8, तो बी वाले पार्ट में 3 4 तो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं 8 होगा। तो यही चीज हो रहा है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो अगर हम देखें वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से।
और बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग यूज कर लेंगे. नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन को. अच्छा एक एग्जांपल और, ए इक्वल टू 2, 3, अब बी इक्वल टू 4, 5. तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? नल. 5. नल. ठीक है चलो, अब थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें देखते हैं ऐसे ही. जैसे अगर मैं बोला कि, जैसे उसने बोला था कि 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, 2 नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज इंप्लाइज फर्स्ट 2 बिलोंग्स टू ए, 2 नॉट बिलोंग्स टू ए, और 2 नॉट बिलोंग्स टू बी. और दूसरा हो जाएगा 2 नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 2 नॉट बिलोंग्स टू बी. बताओ तो भाई कौन सा सही होगा? पहला वाला. फर्स्ट. फर्स्ट फर्स्ट सही होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक में नहीं आया तो नहीं आएगा, बात खत्म. ठीक है, अब देखो कुछ इसको नोट समझ लेना, थ्योरी समझ लेना, एग्जांपल समझ लेना, जो समझना समझना. देखो फर्स्ट क्या है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो दिमाग लगाओ तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी. ए यूनियन बी क्या होगा? बहुत बढ़िया, बी. देखो ये है बी हो जाएगा, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ये वाला कंडीशन हमेशा रहेगा ना, है ना? और जब यूनियन लोगे तो देखो इसके इसके भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? बी. अच्छा बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? ए. समझ में आ रही बात है? ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ ऐसा बनेगा ना दिवांशु? यस सर. ऐसा ही बनेगा ना? हाँ सर. हाँ, तो जब ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या हो गया? फाई. तो इसको ए कहते हैं, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट. एक मिनट, पोजिशन में आना. हाँ, डिसजॉइंट सेट्स. बात समझ में आ रही है? दोनों क्या क्या है? अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए एंड बी को क्या, अरे एन बी एन बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट. ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट हमारे पास हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया. अब आते हैं हम लोग डिफरेंस. इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी से, ठीक है ना? तो ये बराबर होता है कि x बिलोंग्स टू a, बट या बट क्या लिखना है, एंड लिखते हैं, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है ना? और इसको देखो तो यहां पे देखो मतलब क्या है, किसी को डिफरेंस लेते हैं. चलो अमन. यस सर. देखो ये ए है और ये मान लो बी है, ठीक है? हाँ. तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा ना, ए में से बी का एलिमेंट हटा दिया. तो देखो ए तो ये वाला पार्ट है ना, ये जो हमारा ए है, और ए में से बी का एलिमेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये सारा पार्ट हट जाएगा, हट जाएगा ना? हाँ. ए में से हट जाएगा तो बचेगा क्या? ये वाला पार्ट
यही पार्ट बच रहा है ना? यस सर। कि हमने क्या किया, ए में से किसको हटा दिया? बी को। बी को, ठीक है। चलो हट क्यों जा रहा है? अच्छा सिंपल हाइलाइटर है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से किसी और तरह से दे, ठीक है। ये जो पार्ट आ गया ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? ए माइनस बी। अच्छा इसी में बी माइनस ए ड्रॉ करना हुआ तो क्या हो जाएगा? ये देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी माइनस ए में क्या होगा कि बी में से ए के एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो बी में से ए के एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये बी है और ये वाला पार्ट हमने हटाना है, तो जो बच जाएगा वो कौन सा पार्ट बचेगा? ये वाला पार्ट बच जाएगा, b माइनस है। तो अगर तुम लोग ध्यान दो, ये दिख रहा है ना कि b माइनस ए क्या आ रहा है, देखो ये पूरा सेट b आ रहा है। अब b में से a इंटरसेक्शन b हटा दो तो b माइनस ए आ रहा है कि नहीं स्वानी? यस सर। रौनक, अगर a में से इंटरसेक्शन b हटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? a में से इंटरसेक्शन b हटा दोगे तो क्या आएगा? a माइनस b। और b में से इंटरसेक्शन b घटा दोगे तो क्या आएगा? b माइनस a। हाँ, तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a माइनस b जो होता है वो a माइनस a इंटरसेक्शन b भी होता है, और b माइनस a क्या हो जाएगा? b माइनस a इंटरसेक्शन b भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, सिंपल सा, कि अगर ए है 1 2 3 और बी है 2 3 तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 1 1। तरीका क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी पहले देख लो 2 3, और अब क्या चाहिए? ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी में ए से 2 3 को हटा दो तो 1। अच्छा इसमें बताओ बी माइनस ए क्या हो जाएगा? टू थ्री में से 1 2 3 घटाओ, कुछ नहीं आएगा, तो b माइनस ए क्या बच गया तुम्हारा? 5। यही करना होगा। अच्छा अब बताओ, जैसे ऐसे ही देख लेते हैं, अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है तो b माइनस a माइनस b कितना होगा? हो जाएगा ना? तो 5। तो ठीक है, आगे का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों को कुछ पूछना हो, अभी तो ये बहुत प्रीटी इजी चैप्टर था, ढंग से स्टार्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो फिर आप देखो, और इसका हम नेक्स्ट क्लास में सेट कंप्लीट हो जाएगा, या 12 उसके एक दिन बाद 12th वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 3-4 क्लास में सेट 12th तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सेट और रिलेशन पूरा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग फिर हम लोग काम करेंगे उसको। तो किसी को कुछ पूछना है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। पूछना है क्या? आदित्य सर, ये जो एग्जांपल लिए है उसमें b माइनस से क्या हो जाएगा? तुम बताओ। b माइनस से डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। हाँ, क्वेश्चन कैसा है उसमें b माइनस से में, तो मान लो कि हम b ले लिए 1 2 3 4, a ले लिए 1, तो 2 3 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, लेकिन a माइनस b हर हाल में 5 ही आएगा, है ना? इसलिए मैंने b माइनस a का क्वेश्चन नहीं दिया, a माइनस b का क्वेश्चन दिया था, ठीक है। क्लियर है प्रियांशु? यस सर। कौन से स्कूल में आप? सेक्रेट हार्ट आद्रा। अच्छा अच्छा, चलिए बस बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। और डाउट आउट में एक्टिव रहते हैं आप लोग, डाउट आउट डालते हैं? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम चलते हैं, जिसको कुछ पूछना है बस वही पूछे, बाकी लोग अब जा सकते हैं, ठीक है।